फैक्ट नंबर वन, एलोन मस्क की टेस्ला कार का इंतजार भारत में लंबे समय से हो रहा है, लेकिन इंडिया में चार रईस लोग ऐसे हैं जिन्होंने टेस्ला की लॉन्चिंग का वेट नहीं किया, बल्कि इस कार को इंपोर्ट करवा के घर पे ही मंगवा लिया। उनमें से सबसे पहला नाम है एसआर ग्रुप के प्रशांत रुइया का, जिन्होंने 2017 में ही टेस्ला कार खरीद ली थी। इसके बाद नाम आता है इंडिया के सबसे अमीर शख्स मुकेश अंबानी का, जिनके पास टेस्ला की एक नहीं बल्कि दो कार है। तीसरा नाम है एक्टर रितेश देशमुख का, जिन्होंने ये कार खरीदी नहीं है बल्कि इन्हें ये कार उनकी पत्नी जेनेलिया डिसूजा ने गिफ्ट की थी। और चौथा नाम है एक्ट्रेस पूजा बत्रा का। गाइज, आपको क्या लगता है कि इंडिया में टेस्ला कार कब तक लॉन्च होगी? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा। अब हमारे यूट्यूब के वीडियोस यूट्यूब से भी पहले देखें हमारी A2 ऐप पर, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, डाउनलोड राइट नाउ। फैक्ट नंबर टू, गाइज, अगर आप ये सोचकर बैठे हैं कि मैं तो अभी बहुत छोटा हूँ, मैं क्या ही कर सकता हूँ, या फिर अगर आप ये सोचकर बैठे हैं कि मेरी तो उम्र निकल गई, मैं क्या ही कर लूंगा, इन दैट केस सबसे पहले युवा सुनिए कि 19 साल की उम्र में मार्क जकरबर्ग ने फेसबुक कंपनी खोल ली थी, 20 साल की उम्र में बिल गेट्स ने माइक्रोसॉफ्ट की शुरुआत कर दी थी, और 21 साल की उम्र में स्टीव जॉब्स ने एप्पल का आगाज कर दिया था। और तो और, जिनको ये लगता है कि उनकी उम्र बीत गई है, तो उनको भी निराश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 56 साल की उम्र में रे क्रोक ने मैकडोनल्ड्स की शुरुआत की थी और 65 साल की उम्र में कोलोनिल सैंडर्स ने KFC की शुरुआत की थी। गाइज, उम्र के भरोसे मत बैठिए, क्या पता वो आपके एक्शंस के भरोसे बैठी हो। फैक्ट नंबर थ्री, गाइज, इंडिया में जब कोई कार को पार्क करता है तो कार से कुछ चोरी ना हो जाए, इस डर से कार को अच्छे से लॉक करता है। पर सैन फ्रांसिस्को और ओकलैंड में लोग कार की डिग्गी को खुला छोड़कर पार्क कर रहे हैं, और रीजन जानकर आप लोग भी हैरान रह जाएंगे। दरअसल हाल के महीनों में सैन फ्रांसिस्को और ओकलैंड में वाहनों का लॉक तोड़ के चोरी करने की घटनाएं बढ़ गई हैं। ऐसे में लोगों ने अपनी कारों को खुला छोड़ना शुरू कर दिया है। लोग बे एरिया में अपनी कारों की डिग्गी खुली हुई छोड़कर उन्हें पार्क कर रहे हैं। ऐसा इसलिए है ताकि चोर ये देखकर चले जाएं कि उनकी कार में चुराने लायक कुछ भी नहीं है। फैक्ट नंबर फोर, गाइज, एक बंदा जिसे 17 साल की उम्र में दुनिया का सबसे वजनी इंसान घोषित किया गया था, आज उस शख्स को पहचान पाना भी मुश्किल है। जी हाँ गाइज, खालिद बिन मोहसेन शेरी जब 17 साल के थे तब उनका वजन 610 किलोग्राम था, और उन्हें कहीं लाने ले जाने के लिए JCB का इस्तेमाल करना पड़ता था। लेकिन अब जब वो 13 साल बाद 2021 में दुनिया के सामने आए, तो लोग उन्हें देखकर हैरान रह गए, क्योंकि अब उन्होंने सर्जरी, एक्सरसाइज और डाइट के दम पर अपने वजन को 542 किलोग्राम तक कम कर लिया है, और अब उनका वजन मात्र 68 किलोग्राम ही रह गया है। फैक्ट नंबर 5, हावल्स नाम के एक बंदे ने कूड़े में फेंक दिए 3400 करोड़ रुपए के बिटकॉइन। जी हां गाइस, आप ठीक सुन रहे हैं। दरअसल क्रिप्टो करेंसी को खरीदने या बेचने के लिए 20 डिजिट से भी ज्यादा का एक यूनिक पासवर्ड मिलता है, जिसे क्रिप्टो प्लेटफॉर्म पर लगाना होता है, और तभी आप ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। अब हावल्स ने ये की अपनी हार्ड ड्राइव में सेव करके रखी थी, लेकिन 2013 में एक बार ऑफिस की सफाई के दौरान उन्होंने गलती से इस हार्ड ड्राइव को, जिसमें 3400 करोड़ रुपए के बिटकॉइन थे, उसे कूड़े में फेंक दिया, और अब इस शख्स ने हार्ड ड्राइव ढूंढने के लिए नासा की मदद मांगी है। गाइज, आपको क्या लगता है कि क्या नासा इस बंदे की मदद करेगा? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा। अब हमारे यूट्यूब के वीडियोस यूट्यूब से भी पहले देखें हमारी A2 ऐप पर, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, डाउनलोड राइट नाउ। सो गाइज, ऐसी अमेजिंग वीडियोस के लिए A2 अमेजिंग फैक्ट्स के हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और बेल आइकन के बटन को जरूर दबाइएगा ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशंस मिल सकें। स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड, स्टे मोटिवेटेड।